हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सर टेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर, और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट नंबर 2। टॉपिक्स वही है हमारा, ऑपरेशंस ऑन बिग नंबर्स। ऑपरेशंस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हीं को हम लोग ऑपरेशंस करना कहते हैं, ठीक है। तो इस बार हम लोग बड़े बड़े नंबर्स पर ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है हमारा आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया है और पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो बेसिकली हम लोग पार्ट 1 में ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को, फर्स्ट टॉपिक को आई मीन कंप्लीट किए थे, सेकंड टॉपिक में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व किए थे। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग आज के इस पार्ट में, और उसके बाद फिर एस्टिमेट करना सीखेंगे, ठीक है ना, एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस। तो ये बेसिकली ये सेकेंड टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट करेंगे और ये थर्ड टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो ओके, तो ये सब हमने कर लिया था, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया था, 6th क्वेश्चन से हमें करना था, राइट। तो समझते हैं और इसको बनाते हैं। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हमको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आई मीन 6th क्वेश्चन है, ए कंपनी सेलिंग म्यूजिक सीडीज, ठीक है ना, ए कंपनी सेलिंग म्यूजिक सीडीज, क्या बेचते हैं ये, म्यूजिक सीडीज, जिसमें इसको प्ले करने पर गाने बजते हैं या म्यूजिक बजता है, वही है। तो ये जो कंपनी है कितना सेल किया है, तो दिस मच नंबर देख लीजिए आप, इसको अगर आप रीड करेंगे तो इट वुड बी 1,21,44,576 सीडीज इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में, ठीक है ना। अगेन इसको अगर हम रीड करें तो क्या होगा, 2,20,12,874 सीडीज इन सेकेंड ईयर एंड 33,84,140 सीडीज इन थर्ड ईयर, ठीक है। तो 3 साल का डेटा गिवेन है, मतलब 3 साल का अमाउंट, नंबर ऑफ सीडीज गिवेन है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी सीडीज डिड इट सेल इन द 3 ईयर्स टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर मतलब इन तीनों सालों को अगर एक साथ हम लोग बात करें तो कितना सीडी सेल हुआ है, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली आपको बताया गया होगा कि एडिशन का मतलब ही होता है पुटिंग थिंग्स टुगेदर, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर, या टेकिंग थिंग्स टुगेदर ये भी आप कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही है कि इन तीनों को साथ ले लिया जाए तो कितना सीडीज सेल हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट देंगे, कैसे देंगे देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन, नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 1,21,44,576। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड इन द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2,20,12,874। सिमिलरली अभी एक साल और का डेटा हमारे पास है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, सोल्ड इन द थर्ड ईयर, अभी कितना है 33,84,140। ये हो गया हमारा डेटा जो गिवन है, ये क्वेश्चन में ही है, इसको हम लोग अपने मन से नहीं लिखे, हमें क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी सीडीज डिड इट सेल इन द 3 ईयर्स टेकन टुगेदर। थस अब हम लोग आंसर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड इन दीज 3 ईयर्स, मतलब तीनों साल में कितने से सोल्ड हुए, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो तीनों फिगर्स यानी नंबर्स दिए गए हैं इनको हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहां भी आप लिख के प्लस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप यहाँ पे करेंगे स्पेस प्रॉपर होता नहीं है, डिजिट्स इधर उधर होते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे,
प्रॉपरली मैच करते हुए डिजिट्स को, प्लेसेस को, राइट? 4 7 8 2 1 0 2 2 0 4 1 4 8 3 3। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आप देख रहे हैं ना, मैच करते हमने एक बार और लिखा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को यहीं पे प्लस करके लिख देते हैं, वो ठीक है, बट थोड़ा वहाँ पे डिजिट इधर उधर होता है तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप वैसा नहीं करेंगे, एक बार फिर से लिख के फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। आप देख रहे हैं ना, हमने हर बार कैरी ओवर भी मेंशन किया है, तो आप लोग भी ऐसा करें ताकि गलती ना हो, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, दैट सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। मतलब ये जो है, ये 2 नंबर्स का सम है, मतलब दोनों को मिलाकर इतना हुआ है, उनमें से एक ये है, तो हमको दूसरा नंबर बताना है, है ना? कोई एक नंबर है, जैसे सपोज कीजिए ए एक नंबर है, इसमें एक और नंबर को जोड़ दिया गया, वो नंबर क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर आ रहा है ये वाला नंबर। चलिए हम लोग इसको नंबर्स में ही लिखते हैं। जैसे ये हमारा एक नंबर है 6334 9618, और इसमें एक नंबर हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है नंबर हमारा, ये 1196 आ रहा है, 1196 3807। तो हमें ये जो नंबर है हमको इसका पता करना है कि कौन सा नंबर है वो। तो याद रखिए कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, मतलब एक सम गिवन हो और उनमें से एक नंबर गिवन हो, तो हम लोग ये जो नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम में से ये जो सम है राइट साइड में जो नंबर है उसमें से ये लेफ्ट साइड वाले नंबर को माइनस कर देंगे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग सॉल्व यहाँ पे करते हैं। गिवन सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ देम ठीक है, पहले हमने लिख लिया, अब थस अदर नंबर इज इक्वल टू अब अगेन इसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? 1196238 07 8 1 6 स्पेस तो कम हो ही गया है, थोड़ा हम लोग डिलीट ही कर देते हैं इसको। 1196238 07 8 1 6 9 4 ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखा आपने, अगर स्पेस नहीं है तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम ऐसे उसमें नंबर्स को फिट कर दें और फिर सॉल्व करें, तो थोड़ा अच्छा नहीं बनता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप बनाएंगे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी समझते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स मिस्टर जॉन गॉट वोट्स एंड मिस्टर मेहता गॉट वोट्स एंड दिस मच वोटर्स डिड नॉट टर्न अप, ठीक है? हाउ मेनी वोटर्स वेयर देयर। अब इसी तरह से मिलता जुलता है क्वेश्चन आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, बट वहाँ पे डिफरेंस था। वहाँ पे क्या था कि हमें विक्ट्री मार्जिन निकालना था कि कौन जीता है, जो जीता है उसको कितने ज़्यादा वोट मिले, बट यहाँ पे विक्ट्री मार्जिन नहीं निकालना है, हमें बताना है कितने वोटर्स ने वोट डाले। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो मिस्टर मेहरा है, इनको इतना वोट्स मिला, मतलब इतने ही लोगों ने, अब एक वोट मतलब एक पीपल, ठीक है ना, या उसको वोटर्स आप कह सकते हैं। तो इतने वोटर्स ने मिलकर मिस्टर मेहता को वोट डाला, और इतने सारे वोटर्स मिलकर
सॉरी, मिस्टर जॉन को इतने वोटर्स ने वोट डाला और मिस्टर मेहरा को इतने वोटर्स ने वोट डाला, और ये भी वोटर्स ही हैं बट इन्होंने किसी को वोट नहीं डाला, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या हो गया? तो दिस वोटर्स प्लस दिस वोटर्स प्लस दिस वोटर्स, ये भी वोटर्स ही हैं बट इन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो इनको काउंट तो करेंगे ना। जो लिस्ट होता है वोटर्स का, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा आपके एरिया में जब वोट डालना होता है तो उसमें एक लिस्ट बना होता है जितने लोग होते हैं जिनको वोट डालना होता है। अब उनमें से कुछ ने नहीं डाला वो एक अलग बात है, बट उनका लिस्ट में नाम है, उनको डालना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम वोटर्स की बात करें तो ये भी वोटर्स ही हैं, इसलिए इनको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो करना क्या है, ये तीनों तरह के वोटर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मिल जाएगा हमें। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। अब आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स या नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड टू मिस्टर जॉन, है ना, इस तरह से नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड टू मिस्टर मेहता, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट टर्न अप, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, इसको आप खुद करें, सिंपल है, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट, ए वेयर हाउस हैड हाउ मच, 34,34,091 बैग्स ऑफ व्हीट, ऑफ दिस बैग्स वेयर सोल्ड। अब इतने वेयर हाउस आप समझते हैं जिनको हम लोग गोडाउन भी कहते हैं, ठीक है ना, गोदाम अगर हिंदी में बात करें तो गोदाम है एक जिसमें 34,34,091 बैग्स, मतलब गेहूं के बोरे या झोले रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। अब उनमें से 2,09,000 बैग्स वेयर सोल्ड, इतने 2 लाख बैग्स को बेच दिए गए हैं, बिक गए हैं, तो कितने बचेंगे, तो हम लोग माइनस कर देंगे, बिक गए हैं यानी कि उतना माइनस कर लेना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर से ये 3,02,34 बैग्स और उसमें आ जाते हैं, है ना, स्टोर कर दिए जाते हैं। गोडाउन क्या होता है, तो बेसिकली स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, बहुत सारे जो मटेरियल जिनको सेल करना होता है उनको गोडाउन में स्टोर करके रखा जाता है, तो उनमें से कुछ बिकते भी हैं और अगर बिक गए तो वापस से स्टोर करने के लिए खरीद के लाया जाता है। तो हमें ये बताना है कि अब उस वेयर हाउस में कितने बैग्स हैं, तो आप देख सकते हैं पहले इतने बैग्स थे, फिर ये बैग सोल्ड हो गए, बिक गए, और उसके बाद फिर से ये बैग आ गए वहाँ पर स्टोर्ड हो गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट कैसे देंगे, स्टेटमेंट के साथ बनाते हैं। गिवन नंबर ऑफ व्हीट बैग्स, इन ए वेयर हाउस इज इक्वल टू 34,34,091। नंबर ऑफ व्हीट बैग्स सोल्ड थ्री लैख 234। अब लिख देते हैं सेंस 3 लाख टू ओ सॉरी सोल्ड नंबर ऑफ बैग्स जो है वो 3 लाख नहीं है, वो है 2,09,845 एंड 3,02,34 बैग्स मोर बैग्स वेयर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस Therefore, number of bags in the warehouse now, the number of bags now is equal to, तो हमें क्या करना है, जो सेल हुआ है उस नंबर को माइनस करेंगे, मतलब इसको माइनस करना है किसमें से, तो जो टोटल पहले था -209845, ये माइनस, ये सेल हो गया मतलब उसमें से निकल गया, बिक जाता है तो उसमें से निकल जाता है, तो ये माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टोर कर दिएगा, स्टोर कर दिया मतलब उसमें और ऐड कर दिया, कितना ऐड किया गया है 3,02,34, तो इसको प्लस कर देंगे
कैसे प्लस करेंगे ये तो अभी हम लोग सीखे थे थोड़ी देर पहले। पहले इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आएगा उसमें से इसको प्लस कर देंगे। तो इसके आगे का आप लोग खुद करेंगे। ओके नेक्स्ट 10 जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 years ago population of a city was this much. How much it is? 2,56,83,927. Next year it decreased by. ठीक है ना, population हमेशा बढ़ता नहीं, कभी घटता भी। ठीक है, कितना घटा है तो 12,30,982 population घट गया है। However, in the present year it increased by how much? 14,09,834. मतलब एक साल तो घटा लेकिन दूसरे साल फिर किसी तरह से बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 14 लाख। व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी? मतलब घटने और बढ़ने के बाद अब उस सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है ये हमें बतानी है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, राइट? टू ईयर्स अगो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सो सैड। इक्वल्स टू के बाद आपको क्या करना है, ये नंबर यहां पे लिखना है आपको। ठीक है, ये नंबर आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंस इट डिक्रीज्ड ओके, सो थोड़ा सा लैगिंग है सिस्टम में, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। डिक्रीज्ड बाय, ओके, डिक्रीज्ड बाय हाउ मच? तो ध्यान दीजिएगा कितना घटा है, दिस नंबर, ये नंबर घटा है। तो इस नंबर को आपको, ये जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। अब कितना घटा है वो तो हो गया, एंड इंक्रीज्ड बाय कितना बड़ा है, देखिए कलर्स का हिसाब रखिए। इंक्रीज्ड बाय यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है वहाँ पे ये वाले नंबर पर लिख, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थस प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू तो क्या करेंगे हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन में, इसमें से ये जो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, तो ये इसमें से डिक्रीज वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और इंक्रीज वाले को प्लस करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। इसके आगे आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके आगे का आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। मैंने बस मेनली मैंने लिखा था कि स्टेटमेंट आप लोग को स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ही लिखना है, नंबर्स को प्लस माइनस आप कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स था वो आपके जो बुक में गिवन है वो कंप्लीट हो जाता है। और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको एक अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कैसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में एक डिफिनिट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर एक नए तरह का प्रॉब्लम्स आएगा आपके सामने जिसमें हम लोग को
एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एस्टिमेट करने का मतलब ये होता है कि एक आकलन लगाना, है ना, अंदाज़ा लगाना, क्योंकि हर बार हम लोग एक्यूरेट फिगर नहीं बता सकते, स्पेशली अगर बड़े बड़े नंबर हो, है ना। जैसे सपोज़ कीजिए आप एक मोबाइल ही खरीदने जा रहे हैं, तो उस मोबाइल का क्या प्राइस होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि मे बी इन थाउजेंड्स में आप एस्टिमेट लगाते हैं कि शायद उसका प्राइस 10,000 होगा या 11,000 होगा या 12,000 होगा। आप ऐसा कभी नहीं बताते कि उसका प्राइस 11,235, ये आप एस्टिमेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। 11,000 से ज़्यादा लगाएंगे या हो सकता है 10,000 आप कहें, तो आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं वहाँ पे। तो एस्टिमेट डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कभी हम लोग एस्टिमेट टेंस में करना होता है। अब आप सब्जी खरीदने गए तो वहाँ पे आपको एस्टिमेट टेंस में लगाना पड़ेगा, अगर आप कपड़े खरीदने गए तो वहाँ पे आपको हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में लगाना पड़ेगा, मोबाइल खरीदने गए तो आपको थाउजेंड्स में या टेन थाउजेंड्स में भी एस्टिमेट करना पड़ सकता है ना। और अगर आप कोई मोटरसाइकिल या मोटर कार खरीदने गए तो वहाँ पे आपको एस्टिमेट 10,000 या लैक्स में लगाना पड़ता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब एस्टिमेट करते कैसे हैं वो हम लोग थोड़ा देख लें, तो इस एग्जांपल से हम लोग समझें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमको एस्टिमेट करना, एक्चुअली हम लोग सीखे हैं पहले भी, हम लोग उसका यूज़ करके एस्टिमेट डिफरेंस एस्टिमेटिंग सम, मतलब सम एस्टिमेट करें, सॉरी। तो ये जो गिवन नंबर है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, प्लस ओके। तो अभी हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस, मतलब एस्टिमेट करना है राउंड ऑफ करके टू नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस में जब हमको राउंड ऑफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे सबसे पहले मार्क करेंगे, कर लिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं बाय राउंडिंग, टू द नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो नंबर है वो राउंड ऑफ करने पर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जो लेफ्ट साइड वाले डिजिट है वो नहीं चेंज होते हैं, जो है वही लिखना है, बस ये दो ही डिजिट में चेंज होगा, ये जीरो हो जाएगा और ये फोर को ही चेंज करना है। तो फोर को चेंज करने के पहले हमको देखना है कि राइट साइड वाला डिजिट क्या है, तो अगर फाइव से छोटा है तो फोर भी चेंज नहीं होगा और ये थ्री हो जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन अगर फाइव से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमको एट से पहले के सभी डिजिट को तो एज इट इज़ लिख लेना है। अब एट के राइट में नाइन है, फाइव से बड़ा है, तो हम लोग क्या करना है, एट में एक ऐड कर देना, तो ये नाइन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को, अब देखिए एस्टिमेट किए हैं तो ये थोड़ा देख रहे हैं आप, थोड़ा तिरछा इज इक्वल टू का साइन लगाए हैं, जब एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हमको इक्वल्स टू का साइन पर भी ध्यान दीजिएगा। एस्टिमेट करेंगे तो ये साइन, और जब नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये साइन। अब हम लोग को एस्टिमेट नहीं करना है, ऐड करना है, तो इसको प्लस कर देते हैं, सो व्हाट वी गॉट, 10188130, ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस टू गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अब नेक्स्ट यहाँ भी हम लोग एस्टिमेट करेंगे, नंबर सेम है हमारा, बस यहाँ पे जो राउंड ऑफ का जो प्लेसेस है वो चेंज हो गया, अब हम लोग हंड्रेड्स पे करेंगे इसको, ठीक है। तो अगेन लिखते हैं, पहले तो हम लोग को नंबर्स को ही लिखना है, टू थ्री फोर फाइव थ्री फोर थ्री प्लस 7842789 ओके। अब हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो उस प्लेसेस को मार्क करना है जिसके नियरेस्ट हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो हंड्रेड्स के करें तो हंड्रेड्स प्लेस क्या है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे सेवन है, ठीक है। अब वही बाय राउंडिंग इस थोड़ा स्टेटमेंट लिख देंगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स, ये लिख देना है क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, हंड्रेड्स क्या हो जाएगा हमारा ये नंबर। तो इसके पहले वाले सभी डिजिट्स को एज इट इज आप लिखें,
अब थ्री की राइट वाला डिजिट क्या है, फाइव से कम है तो थ्री थ्री ही रहेगा, लेकिन बाकी के डिजिट्स जो राइट वाले हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर अगेन यहाँ पे सेवन से पहले के सभी डिजिट को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, और इसके राइट वाला डिजिट जो है सेवन के राइट में एट है, फाइव से बड़ा है, तो ये सेवन क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों ज़ीरो, मतलब राइट वाले डिजिट आप देख रहे हैं कि ज़ीरो ही हो रहा है और लेफ्ट वाला एज इट इज़ है, केवल जो जिस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हो वही उसी का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। अब नेक्स्ट इसमें भी हम लोग राउंड ऑफ करना है बट टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो अब इसको आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थाउजेंड्स प्लेस पे फाइव है, यहाँ पे टू है, फाइव के आगे थ्री है, तो ये नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज होगा और फिर आप लोग इसको ऐड कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे टेन थाउजेंड्स में करना है, तो टेन थाउजेंड्स प्लेस पे मार्क करें, टेन थाउजेंड प्लेस पे यहाँ फोर है, यहाँ पे टेन थाउजेंड प्लेस पे भी फोर है। अब यहाँ पे देखिए फोर के राइट में है फाइव, ये फाइव से ना बड़ा है ना छोटा, मतलब फाइव के बराबर है, तो बराबर जब होता है तो भी हमको जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उस प्लेस में वन ऐड कर देंगे, मतलब ये जो हमारा नंबर हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ये टू थ्री फाइव, टू थ्री फाइव हो जाएगा, है ना, फोर फाइव हो जाएगा, और ये बाकी डिजिट ज़ीरो प्लस, इसमें तो नहीं है तो ये फोर का फोर ही रहेगा, है ना, फाइव से कम है वो डिजिट, तो ये आएगा, फिर इसको प्लस कर लीजिएगा। तो बेसिकली सब में वही रूल लग रहा है, बस क्या है प्लेसेस चेंज हो रहा है, रूल सेम है प्लेस बदल रहा है केवल। तो आई होप एस्टिमेट करना आप समझ गए होंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे लाख्स है, लाख प्लेस पे क्या है थ्री है, यहाँ पे लाख प्लेस पे क्या है एट है, तो इसको भी आप वही राइट साइड का डिजिट चेक करके राउंड ऑफ कर लेंगे और फिर प्लस कर लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब एस्टिमेशन तो हम लोग पहले भी सीखे थे और अभी आपने रिवाइज भी कर लिया, सम और डिफरेंस भी एस्टिमेट करना आपने सीख लिया, तो बेसिकली हमने सम पर ही बात किया अभी, तो डिफरेंस में क्या होगा, माइनस है तो हम लोग माइनस कर देंगे, प्रोसेस अब सेम रहेगा। अब एक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को एस्टिमेट करना है, तो इसको एक बार देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ए कंपनी मैन्युफैक्चर्ड टूल्स, हाउ मच टूल्स, 4,27,12,875 टूल्स इन द फर्स्ट ईयर एंड 5,38,27,975 टूल्स इन द सेकेंड ईयर। मतलब एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर मतलब होता है उत्पादन करना, कोई टूल्स बनाती है, टूल्स समझिए कि एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, औजार हो गया, इतना औजार बनाया फर्स्ट ईयर में और इतना औजार बनाया सेकेंड ईयर में। क्वेश्चन क्या, एस्टिमेट हाउ मेनी मोर टूल्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही है एस्टिमेट, ध्यान दीजिएगा यही सब चीज़ पर, जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड पर अगर आप ध्यान देंगे तो वर्ड प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो एस्टिमेट करना है कि हाउ मेनी मोर टूल्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड, हाउ मेनी व्हाट मोर टूल्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेकेंड ईयर। आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर में ज़्यादा टूल्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, लेकिन कितना ज़्यादा हुए ये बताना, यानी यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे मतलब करना है, बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेन थाउजेंड्स, नियरेस्ट टेन थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करके हमको एस्टिमेट करना है, मतलब उसका आंसर बताना है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन नंबर ऑफ टूल्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फर्स्ट ईयर, हाउ मच, इक्वल्स टू 4,271,2,875। अब इसको हम लोग यहीं पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ किस में करना है, 10,000 में, तो 10,000 प्लेस पे क्या है, वन है, है ना, तो वन के आगे टू है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, वन है तो वन ही रहेगा क्योंकि आगे टू है आप देख रहे हैं, और बाकी सारे डिजिट्स, ये फोर जो डिजिट्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। टेन थाउजेंड्स में हम लोग करें ना, टेन थाउजेंड्स पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड नंबर। अब सेकेंड के लिए भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ टूल्स मैन्युफैक्चर्ड
इन द सेकेंड ईयर। इज इक्वल टू क्या है हमारा 5,38,27,975। अब इसको भी हम लोग यहीं पे एस्टिमेट कर देते हैं। 10,000 स्पेस पे क्या है हमारा 2 है, 2 के आगे 7 है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगा, है ना। लेफ्ट साइड में तो हम लोग वही लिखेंगे 5,38,2 हो जाएगा 3, अब बाकी सब 0। तो हमने राउंड ऑफ पहले ही कर लिया, अब हम लोग को आंसर इसका बता देना है। थस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टूस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टूस क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, हमें बताना है कितना अगले साल कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है एस्टिमेट करके। तो कितना ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये एस्टिमेटेड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एस्टिमेटेड नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको नहीं करना है। तो क्या लिख दें हम 5,38,3,234 -4,271,12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आपको वही लिख देना है, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो ये वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स था वो कंप्लीट हो जाता है। एस्टिमेशन भी हमने सीख लिया, और अब हम लोग अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे आइए एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगले पार्ट में ये हमने कंप्लीट कर लिए, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और ये जब प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो पॉसिबल होगा तो हम लोग फिफ्थ टॉपिक को भी नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करना, मतलब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आपको जो बताया गया आप समझे होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।